हेलो एवरीवन। तो अब हम समझेंगे रेंडर प्रॉप्स। फंक्शनल कंपोनेंट में रेंडर प्रॉप्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, रेंडर प्रॉप्स होता क्या है। देखिए, रेंडर प्रॉप्स जो होता है वो एक हमारा कॉमन जो कोड होता है, कॉमन लॉजिक होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो कोड को हम शेयर कर सकते हैं, इसके लिए यूज होता है रेंडर प्रॉप्स। तो इससे क्या होता है, हमारा जो डुप्लीकेशन कोड की होती है वो रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी हुई है, द टर्म रेंडर प्रॉप्स रेफर टू टेक्निक फॉर शेयरिंग कोड बिटवीन द कंपोनेंट यूजिंग द प्रॉप हूज वैल्यू इज ए फंक्शन। एक प्रॉप्स के थ्रू हम कोड शेयरिंग करते हैं और वो जो प्रॉप्स होता है उसकी वैल्यू होती है एक फंक्शन, ठीक है, और उस प्रॉप्स का नाम क्या होता है, रेंडर, इसलिए उसे बोलते हैं रेंडर प्रॉप्स। तो ये जो हमारा कोड के रियूजेबिलिटी कोड की हमें बनानी है, हमें डुप्लीकेट कोड रिमूव करना है, ये हमने हायर ऑर्डर कंपोनेंट से भी किया था। लेकिन हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे हमने कैसे किया था, वहां पे हमने प्रॉप्स से नहीं किया था, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर एक कंपोनेंट हमने पास किया था, उस कंपोनेंट के अंदर लॉजिक लगा के हमने नया कंपोनेंट रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोड शेयरिंग की थी हायर ऑर्डर कंपोनेंट से। लेकिन रेंडर प्रॉप्स में क्या है कि यहाँ पे देखिए, एक ये डेटा प्रोवाइडर एक हमारा कंपोनेंट है, ये रेंडर एक प्रॉप्स है, और इसके अंदर एक देखिए डेटा, ये एरो फंक्शन दिख रहा है आपको, एरो फंक्शन एक फंक्शन है, वैल्यू क्या है इसकी, एक फंक्शन। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हम रेंडर प्रॉप्स का नाम क्या होगा, कन्वेंशन क्या है, हमें रेंडर रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, हमें एक फंक्शन पास करना है और चाइल्ड से हम पैरामीटर पास करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो चाइल्ड से हम पैरामीटर पास करेंगे वो है हमारा, वो कंपोनेंट होगा हमारा रेंडर प्रॉप्स का कंपोनेंट, और वहां से वहां पे हमारा रखा हुआ होगा कॉमन लॉजिक, और उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मैं एक दो बटन ले लेता हूँ, एक बटन पे क्लिक पे मुझे काउंट प्लस प्लस इंक्रीज करना है, एक पे माउस आउट पे, बटन पे जैसे माउस ले जाऊं और जैसे हटाऊं तो उसका इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसमें सिर्फ इवेंट अलग है, ऑन क्लिक, ऑन माउस आउट, ठीक है, दो इवेंट अलग है लेकिन लॉजिक सब सेम है। अब लॉजिक जो उसमें डुप्लीकेसी जो है मैं रिमूव करूंगा, किस तरह से हम डेटा पास कर सकते हैं रेंडर प्रॉप से, वो दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट बना लेता हूं, यहाँ पे दो कंपोनेंट मैंने बना लिए, एक बनाता हूं मैं क्लिक डॉट जेएस, एक बनाता हूं मैं होवर डॉट जेएस, और एक मैं रेंडर प्रॉप जिसमें हम कॉमन लॉजिक रखेंगे वो भी बना लेता हूं, रेंडर प्रॉप्स डॉट जेएस, ठीक है। तीन कंपोनेंट मैंने बना लिए। अब यहाँ पे चलते हैं आरएसएफ रिएक्ट कोड स्निपेट प्लगइन से, यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, पहले एक बटन बनाते हैं, ये बटन बन गया, यहाँ पे हमने ले लिया क्लिक ऑन, क्लिक ऑन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा काउंट दिखना चाहिए। अब ये काउंट हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे हमने लिया लेट काउंट सेट काउंट यूज स्टेट, हम यहाँ पे एक हुक यूज कर लेंगे यूज स्टेट, ये देखिए इंपोर्ट भी हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे दिख जाएगी अभी। अब क्या है, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्टेट यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं स्टेट यहाँ पे भी करा सकता हूँ चेंज, ऑन क्लिक पे यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक फंक्शन लूंगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या मुझे रियूजेबल बनाना है। कि आप देखते जाइए, मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन ही ले लेता हूं, ठीक है, एरो फंक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूं और इस तरह से, और यहाँ पे जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्टेट ये चेंज होनी चाहिए काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको इस कंपोनेंट को मैं यूज कर लेता हूं ऐप के अंदर, देखिए इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पे यूज भी हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं ये रहा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो काउंट प्लस प्लस हो रहा है, ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको मैं जो मेरा क्लिक का सेम कोड है इसको कॉपी कर लिया मैंने और होवरिंग पे लगा दिया, ठीक है, होवर कंपोनेंट में लगा दिया, और क्लिक का नेम भी मुझे, क्योंकि ये होवर कंपोनेंट है, क्लिक का नेम मुझे चेंज करना पड़ेगा होवर, और यहां पे मैंने चेंज कर दिया और यहां पे कर दिया माउस आउट, ठीक है, माउस आउट यहां पे,
और यहां पे क्लिक की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस लीव, माउस लीव या माउस आउट लीव कर देता हूं मैं इसको, लीव, माउस लीव इवेंट पे ये इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, देखिए सेम सारा कोड, ये जो लॉजिक है ये लॉजिक सेम है इसमें। देखिए यहां भी चार लाइन का कोड सेम है, यहां भी चार लाइन का कोड सेम है, यहां भी सेम है, तो ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट कोड हो रहा है। तो हमें डुप्लीकेट कोड रखना नहीं होता है, तो उसे हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेंडर प्रॉप्स। तो यहाँ पे देखिए, यहां सिर्फ इवेंट चेंज है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन माउस लीव है, यहाँ पे ऑन क्लिक है, सिर्फ इवेंट चेंज है और सब कुछ सेम है दोनों कंपोनेंट में। तो पहले इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, माउस होवर कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया मैंने, इंपोर्ट भी हो गया और कॉल भी हो गया। चलिए चलते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर ले जाके आउट कर रहा हूँ, माउस लीव कर रहा है, यहाँ से इंक्रीमेंट चल रहा है, चल रहा है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी चल रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, देखिए ये चल रहा है, चल रहा है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये भी चल रहा है। ठीक, तो रेंडर प्रॉप से अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो हमारा कोड आ रहा है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया RSF React Code Snippet से, जो कोड है मेरा ये कोड मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, दोनों कुछ एरर्स आएंगी कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, और इसको मैंने रख लिया यहाँ पे। ठीक, और यहां से भी मैंने अपना कोड हटा दिया है, ये कोड मैंने यहां से हटा दिया है। अब देखिए ये जो कोड जब मैंने यहां से हटा दिया है, तो ये अब मुझे फंक्शन यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये काउंट कैसे मिलेगा, ये एज ए प्रॉप्स, यानी कि ये एज ए प्रॉप्स मुझे मिलेगा, मैं एज ए प्रॉप्स पास करूंगा इसमें। ठीक है, एज ए प्रॉप्स, तो दोनों में ही मैंने इसको प्रॉप्स लगा लिया है, लेकिन अभी प्रॉप्स में कुछ पास नहीं किया है। ये देखिए एज ए प्रॉप्स ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने हटा दिया कोड, वो कोड याद है। अब ये कोड कैसे वहां पे पास होगा इस कंपोनेंट से, ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये जो रेंडर प्रॉप्स है, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, रेंडर प्रॉप्स, ठीक है, रेंडर प्रॉप्स यहाँ पे कॉल हो गया है, ये रेंडर प्रॉप्स, स्पेलिंग इसकी सही कर देता हूं मैं, प्रॉप्स, ठीक है, इसको मैंने हटाया फिर से, अब रेंडर प्रॉप्स ये हो गया। ठीक है, एरर आ रही थी नेम में, और अब जो फाइल है मेरी रेंडर प्रॉप्स, ये फिर से पी स्मॉल क्यों आ रहा है, रेंडर प्रॉप्स में यहां भी है, यहां भी कैपिटल है, यहां भी कैपिटल है, फिर यहां पे क्यों एरर आ रही है, मेरे पास यहां पर रेंडर प्रॉप्स है, ओके, ये फाइल है, फाइल का नेम भी है, कंपोनेंट भी मेरे पास कैपिटल में है, यूज स्टेट की मुझे एक एरर दे रहा है यहाँ पे, तो यूज स्टेट में यहाँ पे गया, मैंने यूज स्टेट लिया, जीरो किया, यूज स्टेट की एरर नहीं आ रही है। अब मैं जाता हूं यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इस यूज स्टेट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहां से तो कोड मैंने हटा दिया है, और इसे ही मैं हटा दूं तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रिएक्ट मेरा यूज हो नहीं रहा है। इससे भी लाइन ऑफ कोड मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, यहां से मैंने हटा दिया है, ये फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड, फाइल नेम ऑलरेडी कहां पे इंक्लूड है, फर्स्ट टाइम मैंने इंक्लूड किया है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड बता रहा है, मैंने इसको हटा दिया है, और इसको फिर से मैं देख लेता हूँ, ये एरर आ रही है, तो इसको ऐसे किया मैंने और ऐसे एंटर किया, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ एरर दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए रेंडर प्रॉप्स डज नॉट मैच, यहाँ पे कह रहा है डज नॉट मैच, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, ठीक है, मैंने यहाँ किया, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, रेंडर नाम का प्रॉप्स बना लिया मैंने, और इसमें एक फंक्शन पास होना चाहिए, मैंने इस तरह से फंक्शन लिया, और इस फंक्शन की जगह देखिए यहाँ पे मैं कॉल करूंगा, ठीक है, ये मेरा पहला बना। अब ये जो क्लिक हैं, ये होवर हैं, इनके अंदर मुझे क्या करना है, प्रॉप्स भी पास करना है, ठीक है, प्रॉप्स यहाँ पे कौन से प्रॉप्स, देखिए इंक्रीमेंट और काउंट, इंक्रीमेंट और काउंट करना है, तो मैं यहां पे जाता हूं और ये मैंने इस तरह से ये पास कर दिए, काउंट
इंक्रीमेंट और काउंट मैंने यहां से पास किए, मैंने इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट किया। अब ये मुझे यहां पे तो कहीं मिल नहीं रहे, तो मैं यहां पे देखिए इसको यूज कर लेता हूं, ये काउंट, ठीक है, यहां पे ये मैंने यूज कर लिया। ठीक, अब ये जो प्रो रेंडर है, ये रेंडर मुझे कहां मिलेगा, इस रेंडर प्रॉप्स कंपोनेंट के अंदर, और यहां से मैं इंक्रीमेंट एंड काउंट पास करूंगा, यहां तो मेरे पास कहीं नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट काउंट मैं कहां पे पास करूंगा, रेंडर प्रॉप्स में मैं जाता हूं, और यहां पे मैं जाता हूं इसको प्रॉप्स डॉट रेंडर, मुझे यहां पे मिलेगा प्रॉप्स डॉट रेंडर, और इसके अंदर से मैं इसे पास कर दूंगा, यहां से मैंने पास कर दिया। देखिए इंक्रीमेंट यहां पे यूज हो गई है, यही यहां पे यूज हो गया है, रेंडर प्रॉप्स इंक्रीमेंट इज नॉट असाइंड, वार्निंग आ रही है, यहां पे एरर आ रही है। ओके, देखिए ये क्या है, मुझे इस तरह से रखना पड़ेगा, इसलिए एरर है। ठीक, अब ये सक्सेसफुल हो गया है, चल गया मेरा, एरर आती रहती है, लेकिन हमें जो है नीचे कंसोल में पढ़ के करना पड़ता है। अब देखिए माउस आउट किया, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये एरर दिखा रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल, फाइल कहीं भी इंक्लूड और जगह हुई नहीं है, लेकिन ये मुझे एरर दिखा रहा है, मैं सर्च कर लेता हूँ, ऐसी एरर आती है तो कहीं पे इंक्लूड किए, देखिए एक ही जगह इंक्लूड हुई है ये फाइल, ये पता नहीं क्यों ही एरर दिखा रहा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रेंडर प्रॉप्स में, चलिए इसे इग्नोर करते हैं, शायद आपके में नहीं दिखाएगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेंडर प्रॉप्स जो कंपोनेंट ये बनाया था, इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, ये सारा कोड लॉजिक कर लिया, और जैसे हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेजते हैं कॉल बैक फंक्शन में, ये रेंडर रेंडर वही कॉल बैक फंक्शन है, ये प्रॉप्स है जो फंक्शन के रूप में आए। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट और काउंट दोनों पास कर दिए, और यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर इस रेंडर में यहाँ से मुझे यहाँ पे मिल गए, तो मैंने ये जो क्लिक और होवर थे इसमें मैंने एज ए प्रॉप्स पास कर दिए। ठीक है, एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास कर दिए, तो यहाँ पे मिल गए, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, अब जो मेरा 4 लाइन का या 8 लाइन का मेरा कोड था, वो कितने का, 4 लाइन का ही रह गया। अगर मुझे 10 कंपोनेंट या 100 कंपोनेंट में यूज करना है, तो मेरा सिर्फ 4 लाइन का ही ये कोड रहेगा, तो रियूजेबिलिटी हो गई, रियूजेबिलिटी हो गई। तो इसे बोलते हैं रेंडर प्रॉप्स। रेंडर प्रॉप्स मतलब कि एक हमारा कंपोनेंट होगा और उसका एक प्रॉप्स होगा जिसका नाम होगा रेंडर, और उसमें वो उसकी वैल्यू होगी एज ए फंक्शन, एज ए फंक्शन। ठीक है, और उसमें रिटर्न करेंगे हम कंपोनेंट जिसमें वो हमारा रियूजेबल कोड यूज होना है, वो कंपोनेंट हम रिटर्न करेंगे। ठीक, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने यही काम, यही रियूजेबिलिटी ऑफ कोड यहाँ से हायर ऑर्डर कंपोनेंट से किया था। तो अगर आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट देखना है, तो मेरी रिएक्ट की पिछली क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट की जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, हायर ऑर्डर कंपोनेंट वर्सेस रेंडर प्रॉप्स इन रिएक्ट। ये मेरी वीडियो है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको आप जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको रेंडर प्रॉप्स समझ में आ गया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।